आज जनाब ये स्टॉर्म वार्निंग है, विंटर स्टॉर्म वार्निंग, उसके साथ ही फ्लैश फ्रीज वार्निंग है और तीसरा ब्लिजर्ड वार्निंग है, वो भी आई है, अभी एक मैसेज आया है। तो ये टेक्स्ट मैसेजेस शुरू कर देते हैं उसी वक्त। टेम्परेचर आज -20 और -30 के दरमियान रहेगा और जो है चूँकि विंड बहुत तेज़ चलेगी, 40 माइल्स पर आर की विंड चलनी है, तो इसकी वजह से विंड चेल जो है, बर्फ़ अभी भी ये देखें आप गिर रही है, बर्फ़ पड़ रही है अभी भी, लेकिन ये तेज़ हो जानी है, आज 6 से 9 इंच तक बर्फ़ एकदम से पड़ जाएगी और जो है वो विंड चेल जो है इट विल बी लाइक -40 -45। तो वो ये इतनी ज़्यादा विंड चेल पे फ्रीज फ्लैश फ्रीज की ये वार्निंग दे देते हैं कि एकदम से आपके कोई पार्ट्स फ्रीज हो सकते हैं, आप निकले हैं, आपका ख्याल है कि आप ये 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे अगली जगह पे और आप प्रॉपरली प्रोटेक्टेड नहीं हैं, ख़ासकर आपके एयर्स हैं, आपका नोज़ है, ये एक्सपोज पार्ट होते हैं, और आपके हाथ हैं, फिंगर्स डिजिट्स हैं पैरों की, तो वो फ्रॉस्ट बाइट का ख़तरा होता है इसमें बहुत ज़्यादा ना, तो इसलिए फ्लैश वार्निंग दे देते हैं। और चूँकि ये विंड बहुत तेज़ चलनी है, उसकी वजह से स्नो भी उड़ेगी, जो स्नो पड़ी हुई है ऑलरेडी और जो मज़ीद पड़नी है 6 से 9 इंच, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा माइनस है, तो इन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी भी दी हुई है आज। अब ये 3 बजे से शुरू हो जाएगी और उसके बाद ये कल जुमा है, कल सारा दिन और परसों सुबह के किसी टाइम तक है ये जो वार्निंग्स इफ़ेक्टिव हैं। तो देखें ये बड़ा हार्श टेम्परेचर है, जो -40 इज़ टू मच, आई मीन टू हैंडल, -40 to 50 के दरमियान इसकी विंड चिल है और ये वो तूफ़ान की इनिशियल मराहल शुरू हो चुके हैं, ये हल्की हल्की सी बर्फ़ पड़नी और लेट्स सी, लोग अपना ग्रॉसरीज़ का स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं, वो मैं भी कर चुका हूँ, पानी, ग्रॉसरीज़, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, टिश्यू पेपर्स, बहुत ज़्यादा बिजी थी मार्केट्स और रोड्स भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं क्योंकि हर कोई वही शॉपिंग कर रहा है। ये देखें गाड़ी साइड को स्किड करती है थोड़ा थोड़ा हर जगह पे, लेकिन इस वक्त तक बहुत ज़्यादा बिजी हैं क्योंकि 6 बजे तक जहाँ से ये गाड़ी स्किड कर रही है साइड पे, क्योंकि यहाँ ब्लैक आइस है, स्केट कर रही है दोनों साइड पे, लेकिन एहतियात से हम आ गए हैं इंटरस्टेट पे, इंटरस्टेट का एक्सेलरेशन रैंप है, ऐसे उड़ती फिर रही है जैसे पाकिस्तान के डेजर्ट्स में रेत और मट्टी सड़क पर उड़ रही होती है। तो ये इस तरह यहाँ पर ये जो एक्सट्रीम वेदर वार्निंग्स आती हैं उनके थ्रू ये उनको ये बड़ा मैनेज करते हैं और लोगों को पहले से इन्फॉर्म करते हैं, लोग अपनी पहले से प्रिपरेशन कर लेते हैं और उन दिनों में ट्रैवल रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, एडवाइजरीज जारी कर देते हैं, वार्निंग जारी कर देते हैं, हर किसी को टेक्स्ट मैसेजेस और मैसेजेस आ रहे होते हैं। फ्यूल हम ले ही लेते हैं, आगे पूरा टैंक फुल रखें,
यहाँ फ्यूल खुद ही लेना होता है, आपने पहले क्रेडिट कार्ड पे करना है, वो आपका नंबर ले लेगा और फिर उसके बाद वो फ्यूल से पूरी फ्यूलिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है। सड़कों पे आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा गहमा गहमी है, ये सब वो तूफान की प्रिपरेशन। दो चीज़ें कंबाइन हो गई है, वीकेंड इफेक्ट और तूफान की प्रिपरेशन। रेडियोज पे और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कंटिन्यूसली वो बता रहे होते हैं जी, आप अपनी सप्लाईज तैयार कर लें, वाटर प्रिजर्व कर लें और ये कर लें और वो कर लें। से पहले पहले हम पहुंच गए हैं वापस, सब कुछ ढका हुआ है बर्फ में और सामने आपको अपनी हॉस्पिटल की बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, ये दो भाई थे मेयो ब्रदर्स, आज से 200 साल पहले तो उनकी प्रैक्टिस बड़ी चल पड़ी, उन्होंने फिर हॉस्पिटल बना लिया और फिर उन्होंने वो वक्फ कर दिया, एक ट्रस्ट बन गया वो और आज तक ये चल रहा है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी का बड़ा सोचते हैं ये लोग।